हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवली और मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ DIY राखी, जो कि रक्षाबंधन स्पेशल है। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कलर लिया है, तो ये इजीली कलर तो बुक स्टॉल में मिल ही जाएगा या बुक शॉप में। और मैंने कुछ ईयरबड लिया है, ईयरबड से बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छा राखी आप लोग बना सकते हैं। और बहुत सारे मैं वैरायटी राखी बना के दिखाऊंगी, जो इजीली आप बना सकते हैं घर पे, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी। तो आप लोग देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं ईयरबड को कलर कर लूँगी। आप अपने पसंद के हिसाब से कलर कर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं। मैं येलो कलर और रेड, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे कलर से बनाने वाली हूँ, पिंक। साथ में मेरी डॉटर भी आ गई है कलर करने, वो बहुत एक्साइटेड है। ईयरबड तो इजीली सबके घर में रहता ही है, तो वो आप इस तरह से मतलब राखी बना सकते हैं थ्रेड से, मतलब सिल्क थ्रेड जो बोलते हैं ना, उससे भी आप बहुत अच्छा राखी बना सकते हैं। और ऊल जो भी है ना, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, तो DIY तरीके से आप बहुत ही अच्छा राखी घर पे बना सकते हैं। सामने रक्षाबंधन है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे, अभी तो बाहर जाना मुश्किल है, तो घर पे ही राखी बनाते हैं, जो भी घर पे सामान है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई। अभी मैं जो कलर किया है ईयरबड में, उसके ऊपर सिल्वर और गोल्डन कलर अप्लाई करूंगी, ताकि ये थोड़ा ग्लॉसी लगे दिखने में। तरह से कलर करना है आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। कैमरा में तो ठीक से नहीं दिखाई दिया। और ये देखिए, मैं जो पेपर आर्ट होता है ना, उसको मैंने साइज करके राउंड शेप में कट कर लिया है। और अब मैं जो ईयरबड को कलर किया था, उसे मैं इस तरह से कट कर लूंगी। इस तरह से सारे ईयरबड को कट कर लेना है। और ये जो पेपर आर्ट, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फेविकल लगा लिया है, और उसके ऊपर मैं ईयरबड लगा रही हूँ। चारों तरफ से मैंने लगा लिया है एक कलर का ईयरबड। अब मैं इसके अंदर और एक कलर की ईयरबड लगाऊंगी।
अभी मैं पिंक कलर का ईयरबड यूज कर रही हूँ। पिंक लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से मैं और एक कलर ऐड करूंगी। उसके लिए मैं फिर से फेविकॉल यूज कर रही हूँ। येलो कलर लगाने के बाद मैं बीच में थोड़ा सा गैप है तो उसमें मैं और एक ईयरबड का टुकड़ा मैं डाल दूंगी। ये व्हाइट कलर मैंने बीच में रखा है, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना। अब मैं और एक दूसरा राखी बना के दिखा रही हूँ। ये एकदम इजी तरीका है, आप इस तरह से आसानी से घर पे, मतलब आपके पास ऊल हो ना तो आप बना सकते हैं राखी। तो ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है और बीच में इसे लॉक करना है, मतलब बांधना है, एकदम दोनों के बीचों बीच रखना है, जो मिडिल पॉइंट होता है ना उसी में ही आपको इसे बांधना है। मैंने राखी को बांध लिया है तो अब इसे कट करना है इस तरह से। राखी को साइड से कट करना है। और अब मैं एक कॉम्ब लिया है, कॉम्ब से इस तरह से आपको कॉम्ब करना है। ऐसा लगेगा देखने में राखी, इसको और थोड़ा अच्छा
बनाने के लिए, इसका अच्छा लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर एक मोती लगाऊंगी। ये जो मोती यूज किया ना, ये साड़ी में ज़्यादातर लगाते हैं, वही मेरे पास था। मैं कुछ लाई थी मेरे साड़ी में ब्लाउज में लगाने के लिए, तो वो पड़ा था घर पे, तो उसे मैंने इस्तेमाल कर लिया है इस तरह से। इसका लुक कितना अच्छा आया ना, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं और एक पर्पल कलर की राखी बना के दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ही इजी है, सेम सेकंड टाइम जो राखी बनाई ऑरेंज कलर की वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा अलग है।
सारा राखी बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं एक एक करके सब दिखाऊंगी और कैसा लग रहा है कमेंट करके फ्रेंड्स बताना। और ये देखिए, और बांधने का जो दूरी है ना, वो मैंने ज़्यादातर ऐसे नॉर्मली जो ऊन से ही बनाई है। आप चाहिए तो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, दूरी लगा सकते हैं। मार्केट में अलग अलग दूरी भी मिल जाएगा, लेकिन मैं तो अभी बाहर नहीं जा पाई इसलिए मैंने आइडिया करके लगाई, और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।